नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 22 अगस्त रविवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक राखी हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को बांधी जाती है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का खास महत्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता है कि यमराज की बहन यमुना ने उनकी कलाई में राखी बांधी थी, जिसके बदले यमराज ने यमुना को अमरता का वरदान दिया था। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन किस विधि से भाई की कलाई में राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहनें। इसके बाद घर को साफ करें और चावल के आटे का चौक पूर कर मिट्टी के छोटे से घड़े की स्थापना करें। चावल, कच्चे सूत का कपड़ा, सरसों, रोली को एक साथ मिलाएं। फिर पूजा की थाली तैयार कर दीप जलाएं। थाली में मिठाई रखें। इसके बाद भाई को पीढ़े पर बैठाएं। अगर पीढ़ा आम की लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा। रक्षा सूत्र बांधते वक्त भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाएं। वहीं भाई को तिलक लगाते वक्त बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। भाई को राखी बांधते वक्त येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभी बंदामी रक्षे माचल माचल का मंत्र जाप जरूर करें। वहीं अगर आप शिष्य या शिष्या हैं जो अपने गुरु को राखी बांध रहे हैं, तो ऐसे में येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बंधामी रक्षे माचल माचल का मंत्र जाप जरूर करें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर उसको मिठाई खिलाएं। अगर बहन बड़ी हो तो छोटे भाई को आशीर्वाद दें और छोटी हो तो बड़े भाई को प्रणाम करें। वहीं आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना भी की जाती है। इस दिन विद्या आरंभ करने का भी शुभ दिन होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।